हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग गुड। आज की वीडियो है क्रिसमस वेकेशन की। एज बच्चों की क्रिसमस वेकेशन चल रही है और हमें मैक्सिमम टाइम जो है हमारा हमारे बच्चों को देना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पेशली बच्चों की ईटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ और यहाँ पे नियर बाय एक मैक्सिस मॉल है जो कि मीरा भाईंदर में है। बहुत ही अच्छा मॉल है, यू गेट वैरायटी ऑफ स्टफ्स आउट हियर। यहाँ पे मैं बिग बाजार में एंटर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर तो लेडीज का सेक्शन है क्लोदिंग का, बट मुझे इसकी शॉपिंग नहीं करना है एज क्रिसमस का सब सेल लगा हुआ था, बाय वन गेट वन फ्री। बट मुझे क्लोदिंग की शॉपिंग नहीं करना है तो आई वॉज जस्ट यू नो लुकिंग आउट कि कुछ अगर अच्छा मिल जाए तो ऑफकोर्स मैं ले लूँगी, बट मुझे कुछ ऐसे खास पसंद नहीं आया। मेन मुझे यहाँ पे बच्चों की ईटेबल्स लेना था तो मैं उसी के लिए आई हूँ। यहाँ पे मिडिल में एक चिप्स का काउंटर है। ये टोमेटो चटनी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वेफर्स एंड ये ले लिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे शूज़ का, बट एज माय चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट तो मुझे यहाँ पे कुछ खास ऐसे पसंद नहीं आया, सो आई वॉज जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग आउट हियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है बेडशीट टॉवल्स एंड एवरीथिंग। मुझे एक डोरमैट लेना था मेरे घर के लिए, मेन डोर के लिए, बस मैं उसी को थोड़ा सर्च कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे एक मेरे घर के इंटीरियर से मैचअप होते हुए एक डोरमैट मिल गया तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इट वॉज क्वाइट रीजनेबल टू जस्ट इन 200 रुपीज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट मैं जा रही हूँ ईटेबल सेक्शन में जो कि डाउनस्टेयर्स है। एज विंटर इज गोइंग ऑन और मॉइस्चराइजर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर ले लिया है नीविया का। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आलमंड ऑयल वाला, मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ एंड इट्स वेरी ऑसम। गाइज यू ट्राई दिस। अब मुझे लेना था बच्चों का ईटेबल्स जो कि उनकी सारी जितनी भी फेवरेट बिस्किट्स है, मैंने ये सब ले लिया है। पास्ता मुझे अक्सर स्नैक्स के टाइम पे बहुत लगता है फॉर माई किड्स एंड मुझे भी पास्ता बहुत पर्सनली पसंद है तो मैंने यहाँ पे, मुझे वन ऑन वन मिल रहा था तो मैंने ले लिया। एंड ये जो बिस्किट आप देख रहे हैं जो मैं ग्रैब कर रही हूँ, ये मेरी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बिस्किट है। ये यूनिबिक की ज़ीरा फ्लेवर वाली बिस्किट है। और यहाँ पे टी सेक्शन में भी काफ़ी ऑफर्स लगे थे, मैंने इसमें से किसी भी टी को पहले यूज़ नहीं किया है बट जस्ट फॉर अ ट्राई मैंने यहाँ पे फ्रेश एंड प्योर की कड़क टी ले लिया है। और ऑलिव ऑयल इट्स माय फेवरेट ऑयल तो मैं यहाँ पे ये भी ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ मेरी बेबी को उसकी मनपसंद की और भी बिस्किट्स लेना था तो वो ये सब रैप कर रही है। मैंने यहाँ पे क्यूट सा मग लिया है जो कि मेरी बेबी के ही पसंद का है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब जो कि ईटेबल्स की शॉपिंग हो चुकी है तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक मैक्स का सेक्शन है। आई वॉज जस्ट फीलिंग कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं नेक्स्ट मैक्स में जाने वाली हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन भी मिल जाता है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं यहाँ पर से ले लूँगी। और
ये मैं मैक्स में अंदर हूँ, बट मुझे यहाँ पे इस टाइम पे कुछ ख़ास कलेक्शन देखने नहीं मिला, तो मैंने बस ऐसे ही सब चेकआउट किया और मैं वहाँ से निकल गई। यहाँ पे सब शॉपिंग करते करते डिनर का टाइम हो गया था और मुझे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, सो वी जस्ट फेल्ट कि यहाँ पे कुछ ट्राई कर लिया जाए। बट बिफोर दैट माई किड्स, उनको यहाँ पे खेलना था। यहाँ पे एक गेमिंग का भी बहुत अच्छा जोन दिया हुआ है एंड दे लव विद द जंपिंग जैक, तो यहाँ पे उन्होंने खूब सारा जंपिंग जैक पे जंप किया है। दे हैड लवली टाइम, दे एंजॉयड अ लॉट। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चों की वेकेशन हो तो हम हमारा मैक्सिमम टाइम उनको दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ कि हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दें, एंड स्पेशली व्हेन द सुपर वेकेशन इज गोइंग ऑन। ये बहुत ही अच्छा मॉल है, मैक्सिस मॉल टू विजिट इन मीरा बाइंदर। इफ़ यू गाइज आर फ्री, डू विजिट दिस मॉल। और जब हमें भूख लगने लगी, यहाँ पे एक फूड कोर्ट टाइप भी बनाया हुआ है, वेज आपको यहाँ पे खाने मिलेगा। मैंने बहुत ही सुपर हिट डोसा यहाँ पे ट्राई किया है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग डोसा ट्राई किया है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डोसा ये यहाँ पे बनाते हैं। काफ़ी वैरायटी ऑफ डोसाज आपको यहाँ पे मिलेगी, इनफैक्ट इनकी जो वैरायटी है इन एवरीथिंग इट्स ऑसम। आप यहाँ पे स्पेशली खाने के उससे भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ का जिनी डोसा और काफ़ी सारे डोसाज मैंने यहाँ के ट्राई किए, गाइज इट्स ऑसम। जो श्री गोकुल करके यहाँ पे फूड कोर्ट है, बहुत ही डिलीशियस डोसा वराइटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट दे हैव मेनी वराइटीज़ इन देयर मेनू, आप बहुत सी वराइटीज़ यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने डोसे के साथ एक इडली चिली भी ट्राई किया, गाइज इट्स ऑसम, सो माउथ वाटरिंग, यू विल जस्ट लव इट। आप ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे जाके खाना, क्योंकि बहुत ही हाइजीनिक और टेस्टी स्नैक्स दे प्रोवाइड विद। आप इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हैं, डिनर भी खा सकते हैं यहाँ पे जाके। एंड द मेन थिंग इज दैट कि इतना रीजनेबल है, इट्स वेरी ऑसम, गाइज डू ट्राई। और यहाँ पे मेरा स्प्रिंग डोसा बन के रेडी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी वेजीज भी उन्होंने डाला है जो कि बहुत हेल्दी है। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द शेयर, याद से करना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितनी मज़ा आई मेरी ये वीडियो देखने में, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि फर्दर मैं व्लॉग्स की भी वीडियोस बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट फॉर मी। लॉट्स ऑफ चीज टॉपिंग्स, बहुत ही डिलीशियस डोसा बन के रेडी हुआ है गाइज, यू कैन जस्ट सी। सबसे खास बात गाइज यहाँ की ये है कि इन्होंने जो व्हाइट वाली चटनी दिया है वो इतनी फ्रेश है कि बिल्कुल भी मींस यू नो उन्होंने उसमें आइस भी नहीं डाला। बिकॉज अक्सर मैं जब साउथ इंडियन फूड कहीं पे खाती हूँ तो उनकी जो वाइट कलर की चटनी होती है वो ठंडी होती है, उसमें उन्होंने आइस डाला हुआ होता है, बट इनकी इतनी फ्रेश थी। एंड गाइज यू कैन सी ये है इडली चिली, आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कि ये इडली से बनाया हुआ है। ये बस फ्राइज जैसे दिख रहा है, बट इट वॉज ऑसम। एंड ये सब खाने के बाद मैंने यहाँ से लीव ले लिया। अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ, घर पे जाके मुझे सारा ही सामान अरेंज करना था, बिकॉज मुझे वेल अरेंज्ड माय हाउस एंड एवरी सेक्शन ऑफ माय हाउस मुझे बहुत ही ज़्यादा वेल अरेंज्ड अच्छा लगता है। मैं घर पहुँचते ही इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया ताकि सारी चीज़ें हैंडी हो। सिस्टमैटिकली मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ अपने घर में। सो गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर अ लॉट।